नमस्कार, न्यूज क्लिक के डेली राउंडअप में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं एक बार हेडलाइंस पर। देश में कोरोना के मामले 1,00,000 के पार, विरान डल झील, घाटी से पर्यटन गायब, अपने बच्चों और आधार कार्ड के लिए खड़ा रहा देर तक पर राशन ना मिला। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक बीते 24 घंटों में यानी कल 18 मई सुबह 8 बजे से लेकर आज 19 मई सुबह 8 बजे तक कोरोना संक्रमण के 4,970 नए मामले सामने आए हैं और 134 लोगों की मौत हो गई है। साथ ही इसी दौरान कोरोना से पीड़ित 2,350 मरीजों को ठीक किया जा चुका है। देश भर में अब कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों की संख्या 101,139 हो गई है, जिसमें से अभी तक 38.73% यानी 39,174 मरीजों को ठीक किया जा चुका है और कोरोना संक्रमण के कारण अभी तक कुल 3,163 मरीजों की मौत हो चुकी है। देश भर में अब कुल सक्रिय मामलों की संख्या बढ़कर 58,802 हो गई है। ICMR द्वारा सुबह 9 बजे जारी आंकड़ों के अनुसार अभी तक कुल 24,04,267 सैंपल की जांच की गई है, जिनमें से 101,475 सैंपल की जांच बीते 24 घंटों में हुई है। 24 घंटों में 4,970 मामले सामने आए हैं, जिसमें महाराष्ट्र से 2,005, तमिलनाडु से 536, गुजरात से 366, उत्तर प्रदेश से 346, राजस्थान से 305, मध्य प्रदेश से 259, पश्चिम बंगाल से 148, बिहार से 129, जम्मू कश्मीर से 106, कर्नाटक से 99 और आंध्र प्रदेश से 67 नए मामले सामने आए हैं। साथ ही उड़ीसा से 48, तेलंगाना से 46, केरल से 29, हरियाणा से 18, पंजाब से 16, हिमाचल से 10, गोवा से 9, छत्तीसगढ़ से 7, असम से 6, चंडीगढ़ और पुडुचेरी से 5-5 मामले और एक नया मामला उत्तराखंड से सामने आया है। 24 घंटों में देश के 10 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से कोई नया मामला सामने नहीं आया है, जिसमें दिल्ली, झारखंड, त्रिपुरा, लद्दाख, निकोबार द्वीप समूह, मेघालय, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, दादर और नगर हवेली और मिजोरम शामिल हैं। एक के बाद दूसरे लॉकडाउन की वजह से पिछले 8 महीनों से कश्मीर का पर्यटन उद्योग बेहद मुश्किल से गुजर रहा है। न्यूज़क्लिक ने इन परिस्थितियों से प्रभावित लोगों से बात की। हाउस बोट के मालिक बता रहे हैं कि पिछले साल अगस्त में केंद्र सरकार द्वारा अमरनाथ यात्रा के बीच में आया, तभी से घाटी के लोगों के पास कोई काम नहीं बचा है। वहां पर्यटक नहीं जा रहे हैं, जिस वजह से आमदनी नहीं है। शिकारे और हाउस बोट पर निर्भर लोग अब सरकार से मांग कर रहे हैं कि उन्हें हर महीने 3,000 से ज्यादा की मदद की जाए, ताकि वे अपना जीवन यापन कर सकें। आइए देखते हैं न्यूज क्लिक की यह ग्राउंड रिपोर्ट। मेरा नाम तारिक अहमद है और मैं डल लेक में रहता हूँ। मैं एक हाउस बोट ऑनर हूँ। मसला ये है कि गवर्नमेंट ने जो हमें अनाउंसमेंट किया है कि हम 3,000 रुपये आपको 3 महीने के लिए देंगे, ये जाता है 33 रुपीज़ पर डे के हिसाब से ये हमें दे रहे हैं। तो आप देखिए कि ये हम 5 अगस्त से हमारा जो प्रॉब्लम चल रहा है, यहाँ से हम लोगों ने टूरिस्ट को एडवाइजरी दी थी कि यहाँ से आप निकलिए, यहाँ पे कुछ होने वाला है। तो वहाँ से लेके 5 अगस्त से लेके अभी तक यहाँ पे टूरिस्ट कोई नहीं आया, टूरिस्ट सारे भाग गए और जो हमारा डिपेंड है सारा टूरिस्ट के ऊपर ही है। तो यहाँ से अनाउंसमेंट किया है कि हम आपको 1,000 रुपये पर मंथ देंगे, वो 33 रुपये पर डे के हिसाब से आता है। मसले तो बहुत है, मसले सिंस लॉन्ग टाइम, यू नो वी आर फेसिंग, स्पेशली टूरिज्म इज़ नो मोर फिनिश ईयर सिंस ये 5 तारीख से ज़्यादा ये हुआ। अब हम लोगों को बहुत एक्सपेक्टेशन थी क्या गवर्नमेंट से कि हमारे लिए कुछ करेंगे, वो बजाय उसके उन्होंने जो 1,000 रुपया हमारे या हाउस बोट वालों के लिए या होटल वालों के लिए वो डाला है, वो हमारे लिए बहुत सबसे बड़ा मजाक किया है इन्होंने, सरकार ने।
इनको समझना चाहिए था कि इनका खर्चा क्या है और कब से ये सफ़र कर रहे हैं टूरिज्म के लिए। और जब यात्रा यहाँ था, जब यात्रा इन लास्ट वीक, इन्होंने खुद एडवाइजरी जारी की इधर और कहा पूरा टूरिज्म को निकाला यहाँ से। तो हम लोगों को ये उम्मीद थी कि हमारे लिए हम इस कैबिनेट के लिए कुछ सोचेंगे, कुछ करेंगे, उसके बजाय हमारा दिल ही दुखा दिया इन्होंने। ये सबसे बड़ा जोक किया इन्होंने हमारे लिए। हम कोई भिखारी नहीं है, हम बिजनेस कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखते हैं। टूरिज्म ज़ीरो है इधर। हम इस वक्त क्या मुसीबत में है, खर्चा नहीं है, लॉकडाउन की वजह से हम घरों में बैठे हैं, हम उसका पालन कर रहे हैं, सोशल डिस्टेंस का पालन हम कर रहे हैं, लेकिन सरकार ये नहीं समझे कि ये घर कैसे चला रहे इस टाइम। और हमारे पास कोई नहीं आता है कि आप लोग के पास है कुछ खाने की, खाना ही कुछ नहीं है। खाना तो चलेगा, 10 दिन के लिए दे रहे हैं, 15 दिन के लिए, लेकिन कुछ हम तो टोटली नुकसान में है। हाउस बोट का कीमत 1 करोड़, 1.5 करोड़, 2 करोड़ रुपया है और हर फैमिली में 5 मेंबर, 6 मेंबर रहते हैं, 1000 रुपया से क्या बनेगा उनको, ये एक दिन का खर्चा है। और हम तो 4-5 महीने से बैठे हैं। सरकार को कुछ गौर करना चाहिए इसके ऊपर कि इनके लिए क्या करेंगे हम। हमको एक्सपेक्टेशन थी कि पैकेज आएगा, पैकेज कुछ ये अनाउंस करेंगे। तो ये कहाँ का इंसाफ है कि 1000 रुपये में क्या आएगा एक महीने का। मैं बोलता हूँ 45 रुपये का दूध का 1 किलो है, और हम कहाँ कैसे हम इसके ऊपर रह सकते हैं। ये बड़ा एक मजाक किया हुआ है, और हमारी प्रॉपर्टी करोड़ों की है, और हमें उस नज़र से देखा गया है कि ये हमारे हाउस बोट जो है इट वर्थ बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, और हमें 1000 रुपये दिया जा रहा है। इतना हम इस पर खर्च करते हैं, इतना मेंटेनेंस इसका आता है, और हमारा जो भी टूरिज़्म है इतना लो है, हम कुछ कर नहीं पा रहे। इवन इसका हमें मेंटेनेंस कॉस्ट आता है, ईयरली आता है मेंटेनेंस कॉस्ट, इसका अराउंड 1 लाख रुपीज़ होता है। तो उसके लिए भी हमारे पास अभी पैसे नहीं है, क्योंकि टूरिज़्म काफ़ी ज़्यादा लो हो गया है। तो हम गवर्नमेंट से अपील करते हैं कि कुछ ना कुछ ऐसा अमाउंट हमें दे वो, ताकि हम इसको एटलीस्ट ज़िंदा रख सके। ये कश्मीर की शान है, डल लेक कश्मीर की जान है। दिल्ली की मजनू का टीला में रहने वाले ज़्यादातर मूसल और खरल बनाकर थोड़ा बहुत कमा लेते थे, लेकिन लॉकडाउन के कारण इस जीविका पे भी असर पड़ा है, और यह खरीदारी बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। यहाँ लोग हर दिन जिंदा रहने के लिए और खाना खोजने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। सार्वजनिक शौचालय नहाने के लिए 5 रुपये लेते हैं, इसलिए इन लोगों के लिए सरकार ने सफाई और इस सभी चीज़ों का कोई इंतज़ाम नहीं किया है। आइए देखते हैं कारवाने मोहब्बत की यह ग्राउंड रिपोर्ट। कल हम वहाँ कैंप में कोई बताया था हमको राशन बट रहा है, तो फिर हम आधार कार्ड लेके वहाँ बच्चों को लेके गए थे राशन लेने। राशन नहीं मिला हमको, कुछ भी नहीं मिला, ऐसे मगे दो केले मिले थे हमको। हमारे घर देख लो, चल के एक बर्तन भी नहीं हमारे पास, चूल्हा पूजा पड़ा है। लॉकडाउन के एक महीने से भी ज्यादा वक्त निकल गया है। आज हम तेज धूप के नीचे दोपहरी में मजनू की टिल्ला दिल्ली के एक गरीब बस्ती में खड़े हैं। यहाँ पे करते सिलबट्टे का काम, रस्सी वाईफार, यहाँ पे अभी इस वक्त कुछ भी नहीं चल रहा है, जो भी चलता है सब बंद है, लॉकडाउन की वजह से सब बंद चल रहा है यहाँ पे। यहाँ पे हमारी दुकान लगती है रोड पे ही, पटली पे, अब वहाँ पे भी दुकान नहीं लगाने दे रहे हो, बताओ ये 1 साल का बता रहा है खाएंगे क्या। हमारे पास तो कोई राशन भी नहीं आ रहा है, हम तो ऐसे भूखे ही मर जाएंगे। अब ये कमाई तो खाली कभी 500 का भी काम हो जाता है, कभी 700 का भी, कभी 1000 का भी हो जाता है। दिन में हो जाता है 100-200 रुपए, ज्यादा इससे ऊपर नहीं होता है।
रिक्शे चलाते हैं, वो जल्दी नहीं होते हैं। उसका क्या कहते हैं, दलिया धोते हैं ना, उसकी जो लेबर काम करते हैं ना। और इन कच्ची बस्तियों में जब हम सोचें कि किस तरह का सोशल डिस्टेंसिंग, किस तरह की सफाई की अपेक्षा की जा सकती है, भूख की बात तो है ही, लेकिन उससे भी बढ़ के अब पानी की किल्लत, प्यास इतनी ज़्यादा है। तो पीने का पानी यहाँ कहीं पे भी नहीं, भर के लाते हैं दूर से, यहाँ से रिक्शे लेके जाते हैं, यहाँ से भरने जाते हैं। पुलिस वाले पकड़ भी रहे हैं और दूध भी लेने आओ तब भी रख रहे हैं वो, जाते फेरी लगाने के कोई बच्चे जाते भी है तो वो पकड़ के छिल लेते, सारे पैसे छिल लेते, फोन भी छिल लेते, घर में चोरियां होती झुग्गियों में। कॉम्प्लेक्स वाली नहाने के 5 रुपए लेती है, फ्री शौचालय है, फिर भी उसमें पैसे पड़े जाते हैं उसमें। पता नहीं, सरकार बहुत सारी घोषणाएं करती हैं लेकिन उसके जो दरार हैं उसमें, इस तरह के बहुत सारे गरीब, सबसे जो गरीब लोग हैं वो उस दरार के अंदर फंस जाते हैं, गिर जाते हैं। 10 दिन में 20 दिन में राशन यहाँ पे भेजा जाता है, फिर भी ज़्यादा नहीं, यहाँ पे तो 5 किलो आटा ज़्यादा करके, 5 किलो चावल, आधी किलो दाल, इससे ज़्यादा ऊपर नहीं, कभी कभी आता है और नहीं आता भी नहीं। यहाँ पे तुम बांटने आए, अब हमारे 10 दिन का तलक राशन हो जाए वो तो खा लेंगे, फिर 10 दिन बाद खत्म हो जाएगा, फिर इधर उधर भटकेंगे। बच्चे मांगने के लिए जाते हैं, वो थोड़ा बहुत लाते वो खा लेते हैं, फिर वो खत्म हो, फिर थोड़े फिर आता बटने लिए पुलिस वाले भगा देते हैं। अगर शर्मिंदा किसी को होना चाहिए तो हमारी सरकार को होनी चाहिए कि आप लोगों को इस हालत में पहुँचा दिया है, जहाँ भूख और प्यास आपके दरवाजे में इस तरह से खटखटा रही है और आपको भागने का कोई तरीका नहीं है। न्यूज़ क्लिक के डेली राउंडअप में बस इतना ही। सभी खबरों को और विस्तार में जानने के लिए आप जा सकते हैं न्यूज़ क्लिक की वेबसाइट पर, हमें फॉलो कीजिए ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर और सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब पर। देखते रहिए न्यूज़ क्लिक। धन्यवाद।